हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो निकल रही है हाई कोर्ट से। तो यहाँ 3,500 वैकेंसी आपको मिल रही है। 8वीं 10वीं 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या सिलेबस रहेगा, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी, उसके बाद में ऑफिशियल नोटिस विभाग ने जारी किया है वो दिखा देंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं डिपार्टमेंट का नाम। यहाँ हाई कोर्ट में आई बम्पर सीधी भर्ती है, क्योंकि ये इसमें जो वैकेंसी आपको मिल रही है 3,500 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रोग्राम में मिल रही है। अभी हम बात करते हैं योग्यता की। तो मित्रों, आप ये अपनी जो योग्यता है वो देख सकते हो। इसमें 8वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 10वीं पास भी अप्लाई कर सकता है और 12वीं पास कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं कुल वैकेंसी। तो कुल पद आपको जो मिल रही है 3,500 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। 3,500 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो इसमें जो प्रथम वैकेंसी आपको मिल रही है वो आप यहाँ देख सकते हो, चपरासी की वैकेंसी मिल रही है, माली की वैकेंसी मिल रही है और ऑफिस ऑर्डरली पियोन सफाई कर्मी। तो इसमें क्या है कि एक नंबर पोस्ट में आपको डी ग्रुप की पोस्ट मिल रही है। इसके बाद में आपको ड्राइवर की पोस्ट अलग मिल रही है, कलर की पोस्ट अलग मिल रही है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट अलग मिल रही है। तो हम फर्स्ट में बात करते हैं चपरासी माली जो स्वीपर होते हैं उनकी वैकेंसी मिल रही है और पियोन ऑफिस पियोन की वैकेंसी आपको मिल रही है। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको फर्स्ट में मिल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो ड्राइवर की पोस्ट निकल रही है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गई, इसमें जो आपको 1500 की समथिंग पोस्ट मिल रही है डी ग्रुप के अंदर, और ड्राइवर की जो पोस्ट मिल रही है आपको 44 की समथिंग पोस्ट आपको मिल रही है, सॉरी 40 पोस्ट आपको ड्राइवर की मिल रही है, 40 पोस्ट आपको ड्राइवर की मिल रही है। क्लर्क की आपको जो पोस्ट मिल रही है, कलर की जो पोस्ट मिल रही है, 412 वैकेंसी कलर की आपको मिल जाएगी इस भर्ती प्रक्रिया में। वेतन की बात करें तो वेतन भी मित्रों इसमें, तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहां हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अलग अलग ही पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन रखा गया है। तो हम आपको वेतन जो औसत बनता है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ वेतन देख सकते हो 5,200 से 20,200, और जो आपका ग्रेड पे होगा 1900 रुपये ग्रेड पे आपको मिलेगा, और अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में आपको वेतन के तौर पर दे होंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकल रही है, सभी राज्यों के मतलब ऑल इंडिया ऑल स्टेट का ये रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया जॉब है। तो इसमें जरूर फॉर्म आप अप्लाई करें, क्योंकि 8वीं 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट्स, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मेल एंड फीमेल इसमें दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा इसमें रखी गई 18 से लेकर 40 इयर्स का कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो सिलेक्शन प्रक्रिया देख सकते हो आपका लिखित होगा, लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका क्लर्क और स्टेनोग्राफर में आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगी, अदर में किसी में आपको स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है। ड्राइवर में भी स्किल टेस्ट होगा आपका, और क्लर्क और जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए होगी आपकी टाइपिंग, ड्राइवर के लिए होगा ड्राइविंग का स्किल टेस्ट, और जो ऑर्डरली ऑफिस पियोन चपरासी के लिए आपको केवल एग्जाम पास करना है। इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल नोटिस जो विभाग ने जारी किया है आज की दिनांक में। तो आप ये देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो विभाग ने जारी किया है उसमें सर्वप्रथम आपको पोस्ट दिखा देते हैं। स्वीपर कम फार्स की वैकेंसी मिल रही है 8वीं पास के लिए, चौकीदार वाटरमैन यानी स्वीपर माली कुली, और जो ये वैकेंसी है देख सकते हो हाई सेकेंडरी स्कूल मतलब 10वीं, और जो ऑर्डरली पियोन और जो वैकेंसी निकल रही है ऑफिस पियोन की उनके लिए 10वीं पास, और प्रोसेसेस सर्विस सर्वर के लिए यहाँ देख सकती हो ये जो वैकेंसी आपको डी ग्रुप में मिल रही है, टू वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रॉनिशियन की वैकेंसी मिल रही है।
तो इसमें देख सकते हो जैसे कि मैंने टोटल वैकेंसी बताया था 1,569 वैकेंसी आपको मिल रही है। एज क्राइटेरिया देख सकते हो, एज क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है इसमें 18 से लेकर 40 ईयर्स, 1 जुलाई 2018 को आपकी एज होनी चाहिए 18 से ज्यादा 40 से कम। वेतन देख सकते हो 5,200 से 20,200 रुपए पर मंथ ग्रेड पे 1800 आपको मिलेगा डी ग्रुप के लिए। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख सकते हो आपकी जो पोस्ट मिल रही है ड्राइवर की, ड्राइवर के लिए क्या रखी गई है योग्यता, तो ड्राइवर के लिए रखी गई है 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। टोटल 40 पोस्ट आपको मिल रही है और इसी के साथ हम देख सकते हो उम्र 18 से लेकर 40 ईयर्स और वेतन आप यहां देख सकते हो जो इसमें ग्रेड पे मिलेगा 1900। इसी के साथ हम बात करते हैं जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट और अप्रेंटिस की जो वैकेंसी मिल रही है, इसके लिए देख सकते हो 1484 वैकेंसी मिल रही है और नेक्स्ट जो है इसमें आपको 412 वैकेंसी स्टेनोग्राफ ग्रेड थर्ड की मिल रही है। तो ये तो हो गई वैकेंसी डिटेल्स। अब इसकी आप तैयारी कहाँ से करोगे इस एग्जाम की, तो हम आपको अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं। आपको पता है इस चीज़ का संदीप कुमार की प्रोफाइल आपको अन अकेडमी में मिल जाएगी। यदि आपको अन अकेडमी पे है सर्च नहीं करना आता हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारी जो वीडियो है उनका, तो वहां जाके आप इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं वो भी फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां आपको फ्री में नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां आप जरूर देखना। इसी के साथ हम बात करते हैं तो यहाँ लेटर देख सकते हो। सबसे पहले हम आपको लेटर दिखा देते हैं, 14/11/2018 को लेटर जारी किया गया है, 14/11/2018 को, मतलब ये कल की डेट में लेटर जारी हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी निकल रही है। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाना होगा आपको। वेबसाइट पे जाने से पहले हम आपको लास्ट डेट इसकी दिखा देते हैं। तो मित्रों ये जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है 6/12/2018 से, मतलब 6 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और जो 26/12/2018 तक एक्टिव रहेगी ये लिंक। तो इस लिंक पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की गलत न्यूज नहीं दिखाई है हमने। यदि आप 6 तारीख तक वेट कर सकते हैं कर सकते हैं। मैंने इसलिए नोटिफिकेशन जल्दी बताया क्योंकि आप तैयारी कर लें इसकी, इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बता दिया है और किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया है। हमने सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये वैकेंसी निकलने वाली है और 6/12 से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मित्रों आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।